एक बारे भी खड़े अपना भाई लोग बंधु लोग संरक्षण में हम लोगों को आगे की रणनीति तैयार करनी है तो हमारा कोई भी आर्थिक एवं मानसिक नुकसान नहीं होगा। आप इस चीज को लिख लीजिए, इस चीज को आप समझिए, अन्यथा किसी अन्य बातों में आके या स्वविवेक से कोई निर्णय ना ले। मेरा सभी से यही अनुरोध है कि आप इस मंच के माध्यम से आगे बढ़िए एवं अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए। ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि आपका कोई आर्थिक एवं मानसिक नुकसान नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक निर्णय जो लिया है कि समान कार्य और समान वेतन के लिए हम तब तक बाध्य रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती है। अथवा इसी क्रम में आगे नियमितीकरण के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसे मेरे सभी साथी और इस मंच से जो पदाधारक हैं, जो पदधारक हैं, जो सभी कार्य कर रहे हैं, इसी नीति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा धैर्य दें, साथ दें और जितने भी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, चाहे वो बिहार के किसी जिले एवं ब्लॉक स्तर से आए हुए हैं, उपस्थित हैं जितने भी लोग, उन सबसे यही अनुरोध है कि एकजुट होने का समय आ गया है। अब तक कोई अलग अपने बैनर के नीचे अपनी आवाज रख रहा है, अपनी बात रख रहा है, कोई किसी अलग मंच से अपनी बात रख रहा है, लेकिन अब ये बात आ गई है एनएचएम कर्मी के संघर्ष की, तो अब हमको एक साथ होना चाहिए। और जब तक एक साथ नहीं होंगे तब तक सरकार झुकने वाली नहीं है। तो आप सब साथी जो भी यहाँ उपस्थित है अब से एक हो जाइए, चाहे वो CHO है, चाहे वो स्टाबलस ग्रेड ए है, और चाहे वो अब क्योंकि ANM बहने हैं या काउंसलर हैं, BHM है, BCM है, अब सबको एक होने का समय आ गया है। एक होइए, आवाज उठाइए, हम लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे तब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। अतः मेरा पुनः आप सभी से यही अनुरोध है कि समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण के बात को हमेशा आगे रखते हुए इस मंच का साथ दीजिए। ये संघ आपको आगे लेके जाएगा, ये संघ ही हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएगा। आप लोगों का साथ की जरूरत है। आप लोग जब तक साथ नहीं है जब तक ये कार्य प्रभावी रूप से नहीं हो सकता है। आप इस चीज को समझिए और आप सबसे यही निवेदन है कि एक हो जाइए, समान कार्य समान वेतन के लिए हमको आगे बढ़ना है और सबका साथ सबका विकास की नीति को हमको लागू करवाना है। धन्यवाद। काफी देखा था तुझे।